हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें डिस्कस करूंगी। जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें कौन कौन से पौधा लगाना चाहिए। जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें पहले तो पॉर्चुला के प्लांट्स लगानी चाहिए, सदाबहार के प्लांट्स लगानी चाहिए, बेबी सनरोज के प्लांट्स लगानी चाहिए, रेन लिली के प्लांट्स लगानी चाहिए। आप जेट प्लांट भी लगा सकते हो। जेट प्लांट बहुत ही हार्डी प्लांट्स होती है, ये जल्दी मरते ही नहीं है। स्नेक प्लांट भी लगा सकते हैं। स्नेक प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होते हैं। दो तरह की स्नेक प्लांट आती है, एक तो ऐसे आती है जो दोनों तरफ येलो बीच में ग्रीन, और एक आती है और एक इस तरह के प्लांट्स आती है, इस तरह के, ये बहुत हार्डी प्लांट्स होती है। फ्रेंड्स, आप ये वाली प्लांट्स भी लगा सकते हो, ये भी बहुत हार्डी प्लांट्स है। आप ये वाली प्लांट्स भी लगा सकते हैं, ये भी काफ़ी हार्डी प्लांट्स होती है। क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जब बिगिनर्स होते हैं प्लांट्स के, उन्हें थोड़ी सी डाउट होती है कि हम प्लांट्स लगा सकेंगे या नहीं लगा सकेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के प्लांट्स लगाएंगे तो आपकी कोई भी प्लांट्स की डेथ नहीं होगी और आपकी निराशा भी नहीं होगी। इससे आपकी गार्डनिंग की इंटरेस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते रहेंगे। हमें अपनी इंटरेस्ट को बढ़ानी है, हमें उनकी इंटरेस्ट को कमानी नहीं है, घटानी नहीं है। फ्रेंड्स, जो भी गार्डनिंग करने की इच्छा रखते हैं वो इस तरह के प्लांट्स ज़रूर लगा सकते हैं। इससे आपके प्लांट्स की इंटरेस्टिंग दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हैं। जब हम प्लांट्स लगाते हैं तो हमें थोड़ी सी डर लगते हैं कि क्या मालूम प्लांट्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे या मर जाएंगे, तो हमारी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, डरने की कोई बात नहीं है। इन सभी प्लांट्स को आप बेहिचक लगा सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी खाद ना दो तो भी चलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये प्लांट्स काफ़ी हार्डी प्लांट्स होते हैं, बहुत ही हार्डी होती है। ये काफ़ी दिन तक आपके पास रहेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। हम जब पहले पहले प्लांट्स लगाते हैं तो हमें लगती है कि हमारे प्लांट्स मर जाएंगे, हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे, तो हम अपने प्लांट्स लगाना छोड़ देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस तरह की बातें सोचनी नहीं चाहिए। हमारे घर में 2-3 पौधे तो होनी ही चाहिए, कम से कम 2 से 5 पौधे लगाइए। आपके घर में एनवायरनमेंट में आपकी वेंटिलेशन के लिए काफ़ी आवश्यकता है। देखिए, जेट प्लांट जो होती है वो काफ़ी हार्डी प्लांट्स होते हैं, एक बार आप लगा दोगे तो ये बिल्कुल ही मरते नहीं हैं। लेकिन इसके लिए आपको पानी की मात्रा बहुत ही कम करनी है। जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें पता नहीं होती है कि उन्हें कितना पानी देनी है, तो वो थोड़ी ज़्यादा पानी देते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स की डेथ हो जाती है। लेकिन आपको बहुत ही कम पानी देनी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको प्लांट्स लगाने की इच्छा है, जो भी बिगिनर्स है वो इस तरह के प्लांट्स ज़रूर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू माय फ्रेंड्स, बाय।